Okay, welcome to all, and today is 11th अगस्त. Okay, आज कल की क्लास में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कंप्लीट कर लिया था. एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने सीखा क्या था. हमने मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस किया था. एक ही ग्राफ में या तो मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है एंड थर्ड वन या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा दैट इज सिचुएशन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है. सो दिस इज द इन्फ्लेक्शन. ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी ग्राफ में. ओके, ये हम चेक कैसे करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है उस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कैसे करेगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड कैसे करेगा, या फिर मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा. ये हमारे पास दो टेस्ट थे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. कल के लेक्चर में हमने डीप डिस्कशन कर रखा है. जिसने नहीं देखा हो तो आप गूगल क्लासरूम के लिंक का यूज़ कर लीजिए या आप अपने व्हाट्सएप में चले जाइए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. स्टार्ट कर लेते हैं कल हमने क्या देखा था. कल की क्लास में हमने सीखा कि ये हमारा ग्राफ है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ग्राफ इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा दैट मीन्स ग्राफ लोअर साइड में जाता जाएगा. तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और इसके राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही डेरिवेटिव यूज़ किया मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इस पे हमने क्वेश्चंस कर लिया था तो ये मैंने सिंपल कर लिया. एंड वाइसी वर्सा, अगर हमारा ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. ओके, तभी तो मैक्सिमा बनेगा और मिनिमा बनेगा, या फिर इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ऐसा बोल सकते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं, तो we have to study about second second derivative test. So second derivative test में हम करते क्या, हमारा पहला step होगा, second derivative आप direct तो नहीं कर सकते ना, तो पहला step होगा differentiate the function and the second step is we have to put the first derivative equal to zero to find the turning point or critical point and find critical point. जैसे ही आप zero put करोगे तो you have to find the critical point. आपके पास critical point आ जाते हैं. Critical point means जहाँ पे function की slope of the tangent parallel to x-axis होगा, that is the critical point. So function का derivative zero होगा. Second one is, अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही है इसका नाम, तो सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे. सेकंड डेरिवेटिव इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो नेचर शो करेगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव है एट x इज इक्वल टू x1, सपोज x1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे सारे पे हमें चेक करना होगा और उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन का नेचर भी हमें पता लगता जाएगा. तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव हुआ तो x इज इक्वल टू x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इनफैक्ट लोकल मैक्सिमा यूज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ओके, तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हुआ, ध्यान देना निगेटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो रहा है. सेकेंड और क्या है, अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे, तो एक्स वन क्या है, एक्स वन इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ये हमारा कैसा पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो ये हमारा कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा. अभी हमने एक्स इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव और निगेटिव की तो बात कर ली. इफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट
एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़ीरो हो जाता है तो ये वाला सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट नहीं कर सकते। इवन और भी रूल है बट एनसीईआरटी में यहीं तक है, आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव पे आप नेचर नहीं चेक कर पा रहे हो तो आपको थर्ड डेरिवेटिव पे नेचर चेक करना होता है, थर्ड पे नहीं कर पा रहे हो फोर्थ पे चेक करना होता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं है। आपको बस ये पढ़ना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर ज़ीरो हो जाता है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ही हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन और होगा कि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पॉसिबल ही ना हो, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएबल पॉसिबल ना हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो आपको मैनुअली फंक्शन को एनालाइज करके लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू ट्राई टू फाइंड दैट। तो ओके, एक एग्जांपल सेट करते हैं जहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो हम हाउ टू फाइंड द वैल्यू। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स जहाँ पे ये वाला केस भी बन रहा हो और नॉर्मल केसेस भी बन रहे हो। तो एक एग्जांपल्स स्टार्ट करता हूँ। सो एग्जांपल इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ओके, सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश। इसको जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6। ओके, ये तो स्टेप आपको क्लियर होगा। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो दिस इज इफ़ यू टेक द 6 कॉमन देन वी हैव x² माइनस 2x प्लस 1 एंड दिस इज़ द फेमस वन x² माइनस 2x प्लस 1। ये किसका फार्मूला है याद करो, याद कर लो, आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में। दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपकी ये पिक्चर ऐसी आ रही है। अब आपको बोला गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, तो पुट कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल, तो आपका आ गया x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव का नेचर चेक करना, नॉट फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव का नेचर चेक करोगे उससे फंक्शन डिसाइड होगा मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एफ डबल डैश। एफ सिंगल डैश एक्स क्या आया था, ये आया था 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी का हमें फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, ध्यान रखना। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव इज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। दैट मीन्स वी हैव टू अगेन टेक द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 12x माइनस 1। ओके, सो 12x माइनस 1। ओके, क्वेश्चन ही ऐसा सेलेक्ट किया गया था, ये आपके एग्जांपल्स में भी शायद क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे। और जैसे ही आप पुट करते हो एफ डबल डैश 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब ये आपके पास आया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 नंबर लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये x इज इक्वल टू 1 है, 1 का पार्ट है, तो ये माइनस इनफाइनाइट वाला पार्ट है और ये प्लस इनफाइनाइट वाला पार्ट है। तो एक तो इंटरवल हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 1 एंड द सेकेंड इंटरवल इज 1 टू इनफाइनाइट। दीज टू इंटरवल्स, सो नंबर लाइन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें। नंबर लाइन वाले पोर्शन में भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, तो उसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा।
माइनस इन्फाइनाइट टू वन एंड वन टू इन्फाइनाइट, इन दोनों इंटरवल्स में इसका नेचर चेक करना है। तो नेचर क्या आप कैसे चेक करोगे? देखो ये जो पॉइंट है x माइनस वन होल स्क्वायर, किसी भी नंबर्स का होल स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो f डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव है, वन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव है। तो ये वन पॉइंट x इज इक्वल टू वन कैसा पॉइंट होगा? इस पर ना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी, कल ही डिस्कस किया था। अगर फंक्शन के दोनों साइड में नेचर ऑफ द ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग यहाँ पे भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग है ग्राफ, राइट हैंड साइड में, तो देर इज नो मैक्सिमा नॉर नॉट मैक्सिमा, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक्स इज इक्वल टू वन कैसा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। शायद यही क्वेश्चन कल की क्लास में भी डिस्कस किया गया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही आपने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ग्राफ था, ये कल मैंने डिस्कस किया था। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो तो ये क्या होता है? थ्री एक्स स्क्वायर आता है, और सेकंड डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर को अगर जीरो के इक्वल पुट करोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? जीरो। तो दैट मीन्स हमें जीरो पे मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। बट आप जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हो तो दैट इज सिक्स एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव जीरो पे क्या होगा? जीरो होगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसका फेल हो जाता है, दैट मीन्स हमें क्या करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेनी होती है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप जब वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या आता है? ज़ीरो आता है। ओके, तो यहाँ पे ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कल डिस्कस किया था कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों ही ग्राफ कैसा है हमारा? इंक्रीजिंग है, इसलिए ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये कल डिस्कशन मैंने कर लिया था, तो आपको बता दिया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और आपके एनसीईआरटी में ही है, उस एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ये है ग्राफ ऑफ 3 प्लस मॉड एक्स, ये ग्राफ। एग्जांपल्स अच्छे हैं तो डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये पॉइंट है 0,3। 11th क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस हो रखी है ग्राफ की, तो आपको मालूम होना चाहिए ये 3 प्लस मॉड एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ से ग्राफिकल सिचुएशन से आप देख के बता सकते हो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा किस पे? एक्स इज इक्वल टू 3 पे। एक्स इज इक्वल टू 0 का पॉइंट मिनिमम होगा। दिस इज, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, मीन्स 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और किस पे होगी? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ओके, कुछ गलत बोल दिया मैंने। ओके, ये था एक्स इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू होगी ग्राफ की, मैक्सिमम तो कुछ होगी नहीं। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मैक्सिमम तो वैल्यू होगी नहीं, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे भी बाउंड्री नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू होगी, लोवेस्ट पॉइंट मिल रहा है हमें। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट से पॉसिबिलिटी है क्या? सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट एक बार करके हम चेक कर लेते हैं कि वी आर एबल टू चेक सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट या कि नहीं। तो ये जो फंक्शन है इसका आप सेकेंड डेरीवेटिव नहीं ले सकते हो मॉडुलस फंक्शन का। क्यों नहीं ले सकते अभी बताता हूँ। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मेरा जो फंक्शन है 3 माइनस मॉड x, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस x में चेंज हो जाएगा। x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3 प्लस x हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही आप डेरिवेटिव लोगे, अगर नेगेटिव है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f डैश x इज माइनस 1, और पॉजिटिव है तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर, सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा ही नहीं। ओके, सो x नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव भी नेगेटिव आ रहा है, देखना इस साइड में x नेगेटिव है तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x क्या आ रहा है? आपने कैलकुलेट किया, नेगेटिव आ रहा है, और ये डिक्रीजिंग भी है ग्राफ, और यहाँ से भी कैलकुलेशन से भी आ रहा है, और इसके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है?
फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है. वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू ज़ीरो, फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है. दैट मीन्स दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है. ओके, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ भी फेल हो जा रहा है. अब ऐसा एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली एक्सरसाइज को, वहाँ पे देखते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. हाँ, इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम भी है और कुछ एक दो टॉपिक्स अभी हमने छोड़ भी रखे हैं, जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा. तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. कल से मैं क्वेश्चंस हमने कम किए हैं, तो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा. ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं. और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़े से अलग स्ट्रेटजी होती है, तो एक दो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा. बट कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो देख लेते हैं. 6.5 वाली एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज में हमें पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी इन द फॉलोइंग फंक्शन. मीन्स मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, या फिर नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमा, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है. तीनों कंडीशंस आ सकती हैं. सो स्टार्ट करते हैं 1/1. सो ओके, सो यहाँ से जो पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 होल स्क्वायर + 3. और ये सारे फंक्शन कैसे हैं, रियल फंक्शन है, तो रियल नंबर्स ही अप्लीकेबल हैं यहाँ पे. अब ये जो होल स्क्वायर है, आपको मालूम है होल स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 2x-1 होल स्क्वायर. अब आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर रहा हूँ. सिंपली आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, दिस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. सो 2x-1 होल स्क्वायर + 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3. अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल की मीन्स ये फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू तो पता है हमें, मैक्सिमम क्या होगी नहीं पता है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता है, सॉरी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगी 3 होगी. और 3 किस पॉइंट पे होगी? जब आपका होल स्क्वायर 0 होगा. तो x-1 होल स्क्वायर इज 0 कब होगा? x की वैल्यू 1/2 पे. तो x इज इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द मिनिमम वैल्यू इज 3. तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब मैंने डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. आप फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लेना, यही आंसर आता है. बट क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी MCQ में जो पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन. कि x-1 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव 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 नंबर तो इनफाइनेटली प्लस इनफाइनेट तक जा सकते हैं ना, तो उनकी अपर बाउंड्री नहीं है कोई. इसलिए ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन जब आप करोगे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन एक बार मैं आपको 5 मिनट्स, तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, तब तक आप सेकंड क्वेश्चन भी सोचते रहो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ भी होल स्क्वायर है, सिमिलर क्वेश्चन है 1 एंड 3, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है. यहाँ पे देखना, x-1 होल स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो माइनस ऑफ x-1 होल स्क्वायर इज़ नेगेटिव नंबर. अगर प्लस ऐड कर दिया मैंने, माइनस ऑफ x-1 होल स्क्वायर + 10, सो दैट विल ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 10. ओके, सो दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें डिसाइड हो चुकी है. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, बट मिनिमम वैल्यू नहीं होगी. और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी? जब ये होल स्क्वायर 0 हो जाएगा. देखो, ग्रेटर देन, ये पूरा फंक्शन 10 से इक्वल या फिर छोटा है, दैट मीन्स 10 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. और पॉइंट किस पॉइंट पे होगा? जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तब फंक्शन की वैल्यू 10 होगी. तो दैट मीन्स x = 1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10.
तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से ही कर लिए, देर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस मैथड। अब अभी रिसेंटली मैंने एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसलिए आपको ये याद होगा, डेरिवेटिव टेस्ट भी आप देख सकते हो। तो एक्स क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक्स क्यूब प्लस वन हुआ, सेम वही क्वेश्चन होगा, तो इसके पास ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ओके, सॉल्व करके भी देखोगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, तो सेम सिचुएशन हो जाएगी जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड वाला पार्ट ये कंप्लीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस को भी मैं होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करता हूँ, देखना। 9x स्क्वायर का मतलब हो गया ये 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, 12x का मतलब हो गया यहाँ पे 2 होगा 2ab, तो 2 होगा 3x भी होगा, और b क्या हुआ अब देख लो, यहाँ से 6x तो आ चुका है तो यहाँ पे 2 हो गया। होल स्क्वायर बनाने का तरीका भी मैं आपको धीरे धीरे बता ही दे रहा हूँ। तो मीन्स 2 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, मीन्स 2 ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया, दैट मीन्स ये इस सेकंड वाले को आई कैन री राइट लाइक दिस, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये होल स्क्वायर बनाने का भी तरीका हो गया आपको। ओके, होल स्क्वायर हो गया, अदरवाइज जिसको और प्रॉब्लम हो रही तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप कर लोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। मैं सिमिलरिटी के लिए कि सारे सिमिलर सॉल्यूशंस हो होल स्क्वायर वाला। अब ये होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर हो गया तो अब इसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने और तीनों की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू देख लो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से कर देता हूँ मैं, दिस इज 3x प्लस 1 2 होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 था एक्चुअली, तब ये क्वेश्चन के इक्वल होगा, सो माइनस 2, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, माइनस 2 है। किस पॉइंट पे, जब ये 0 होगा, तो 3x प्लस 2 इज 0, दैट मीन्स x की वैल्यू इज माइनस 2 बाई 3, तो एट x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 द फंक्शनल वैल्यू इज, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी x, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी नॉट डिफाइन, बट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 होगी, मिनिमम वैल्यू इज माइनस 2, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे। तो ये आपने देखा कि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चंस का वेटेज कितना है, आपके पास टाइम कितना है, तो इसको सारे को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करके देख लेना। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी इन द फॉलोइंग फंक्शंस। अब सेकंड वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट को मैं पहले और क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने स्टार्ट किया था लोकल मैक्सिमा से, या लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा से। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या थी, ये किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती हैं। एक ही ग्राफ में ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये मैक्सिमा है ये मैक्सिमा है, तो एक कंपेरेटिवली मिनिमम वैल्यू या फिर रिलेटिवली मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होती हैं, तो उनको लोकल वर्ड दिया जाता है। ये मैंने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था पिछले वाले लेक्चर में। फिर अगर नॉर्मल मैक्सिमा वर्ड आ रहा है या मिनिमम वर्ड आ रहा है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो कुछ को कन्फ्यूजन ज़रूर हो रहा होगा ना। तो अगर नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है, मैक्सिमा और मिनिमा, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स हम मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं कर रहे हैं। इन जनरल क्वेश्चंस में यही होता है, और कहेंगे लोकल मैक्सिमा ही मिनिमा हो जाता है, लोकल मैक्सिमा मैक्सिमा हो जाएगा और लोकल मिनिमा हो जाएगा, तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लोकल ही मेन हो जाए,
ठीक है। तो ये तो छोटे बहुत छोटा सा कन्फ्यूजन था, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे कहीं भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ नहीं किया फर्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके भी कुछ लोग चेक कर लेना, सेकंड डेरिवेटिव, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक्चुअली जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है हमारा, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समटाइम्स दे आर मैक्सिमा और मिनिमा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉसिबल है तो। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कभी कभी हमें ये वर्ड आता है ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल नहीं ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू, या फिर आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सारे मिनिमा के जब मिनिमा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी सारे वर्ड्स हैं, मीन्स ग्लोबल मिनिमा, लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट की जगह हो जाएगा लीस्ट वैल्यू एंड दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा। अब वर्ड्स आप देख करके समझ गए होंगे मेरा मोटिव क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब आपकी लोकल मिनिमा में जो ढेर सारी वैल्यूज थी सारे में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एब्सोल्यूट। जैसे एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये ढेर सारी वैल्यूज, तो इसमें ये दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये सारे ही लोकल मैक्सिमा है, लोकली मैक्सिमम है। बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा इन सारे में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। ये तो ग्राफ से आप देख पा रहे हो, बट क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या क्या हमें सॉल्यूशन चाहिए, क्या क्या हमारे पास वर्किंग रूल है, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ वन बाई वन, फिर आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे टर्म्स एक ही हैं। तो सबसे पहले, और ये ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा हम क्लोज इंटरवल्स में ही फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है, छोटा सा है, आपके सिलेबस में भी है, हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जब निकालते हो तो वहाँ पे ये सारी वैल्यूज आ ही जाती हैं, बट क्वेश्चंस में भी है और अभी तक एक दो मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए छोटे छोटे टर्म्स सारे ही रेडी रखिए। वैसे मैक्सिमम टॉपिक्स आपका डिस्कस हो चुका है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, जब भी हमें निकाल, ये क्लोज इंटरवल्स के केस में हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं वर्किंग रूल में, हम डेरिवेटिव लेते हैं, आपको भी पुट है, डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ज़ीरो के इक्वल पुट करने से हमारे पास टर्निंग पॉइंट निकलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी है, जब डेरिवेटिव निकलते हैं तो सारे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास नहीं आते हैं, केवल कुछ क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल ना हो, तो क्रिटिकल पॉइंट जिस पे फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है, दोस पॉइंट आर आल्सो कंसीडर्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू कलेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पॉइंट एट विच फंक्शन इज, एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंसिबल। ये भी होता है, आपने देखा होगा मॉडुलस फंक्शन के केस में, वहाँ फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं था तो क्रिटिकल पॉइंट तो हम निकाल नहीं पा रहे थे, तो दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट जिस पे फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स को जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है एंड फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है, दोनों ही पॉइंट को कंबाइंड हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये क्लियर कर लेना। जब डेरिवेटिव ज़ीरो करते हो तो दे आर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे मैक्सिमम टाइम्स 99% केसेस में आप देखोगे कि फंक्शन की डिफरेंसिबिलिटी वाली कंडीशंस आती नहीं है, वो तो मैंने स्पेशली आपको बता दिया था।
तीसरा है जो भी क्लोज इंटरवल होगा उसके एंड पॉइंट पे आप वैल्यू निकालोगे, दैट मीन्स अगर क्लोज इंटरवल ए बी है तो एफ ए और एफ बी भी कैलकुलेट कर लोगे, आप इसकी वैल्यू भी निकालोगे। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू लास्ट में एफ ए पे निकाल लिया, एफ बी पे निकाल दिया, और क्रिटिकल पॉइंट सपोज करो हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, इन सारे पे फंक्शंस की वैल्यू निकाल दिया। इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो लीस्ट वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, वो दैट इज़ लीस्ट वैल्यू। तो दैट मीन्स यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी हो सकता है आपका मैक्सिमम पॉइंट, या फिर एंड पॉइंट पे भी फंक्शन का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर सकता है। ओके, या फिर एक थर्ड कंडीशन है जिसपे फंक्शन डिफरेंस मीन्स डिफरेंसिबल नहीं है, वहाँ भी फंक्शन अटेंड कर सकता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई, तो ये वर्किंग रूल है। अगर कहीं आपसे पूछा जाए, आगे क्वेश्चन में मिलेगा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स सारा प्रोसीजर वही रहेगा, आपको बस उस पर्टिकुलर इंटरवल्स में हमें एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। अगर सपोज करो कि इंटरवल्स भी नहीं दिए हैं, तो आपको जो मैक्सिमा, जो भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकला हुआ है, उन्हीं में ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। सपोज करो एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा है हमारे पास, तो दे आर आल्सो चेंज इनटू ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। जब एक ही है तो वही मेन होगा। सपोज करो एक ही स्टूडेंट है पूरे स्कूल में, तो वही फेल होगा, वही पास होगा, वही टॉप करेगा। दो स्टूडेंट हैं तब तो कंपेयर कब करोगे, जब एक और होना चाहिए हमारे पास। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जैसे आपका स्कूल है, दिल्ली का एक स्कूल है, तो इसमें जिसने टॉप कर दिया तो दैट इज़ द लोकल टॉपर, उसको लोकल टॉपर बोल दिया, या फिर मैंने बोल दिया ये लोकल टॉपर है, लोकल मैक्सिमम मार्क्स इसके आए हैं। पूरे दिल्ली में जिसने टॉप कर दिया वो भी एक लोकल टॉपर हो गया, ऑल इंडिया में जिसने टॉप कर दिया ट्वेल्थ क्लास में वो क्या हो गया, वो भी एक लोकल टॉपर ही हो गया। बट ओवरऑल टॉपर कौन हो गया, ग्रेटेस्ट कौन हो गया, जो ऑल इंडिया में टॉप किया हुआ, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट। तो आई होप समझ में होगा, और उसी को एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट या ली या फिर ग्लोबल कुछ भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो बस यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बताने हैं। फिर से वापस एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में अभी क्या क्या पॉइंट्स हैं और आपके डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर वन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग फंक्शन। एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा जो नॉर्मल वर्ड्स है, तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, लोकल से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक्चुअली एक ही वैल्यूज आती हैं, तो इसको आप लोकल भी बोल सकते हो, बट क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, दैट मीन्स एक ही मैक्सिमा होगा एक ही मिनिमा होगा। जब ढेर सारे होते हैं तब लोकल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा एक बार क्वेश्चंस को आराम से समझो, उसको डेली लाइफ के किसी एग्जांपल से कनेक्ट करो, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर भी ढेर सारा कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप बता देना, मैसेज कर देना। अब एक नंबर लाइन का कन्फ्यूजन मैं आज किसी वीडियो आपको कोई लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर लूंगा, तो वहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आपको जो नंबर लाइन रूल्स का कॉन्सेप्ट है, एक स्टूडेंट का आया था आदित्य का, उसको भी हम कंफर्म कर लेंगे। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे भी आप देखिए वर्किंग रूल सेम ही है। ये देखिए, जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, सिंपल है। ये जो मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। अब जब इसमें माइनस वन ऐड करोगे आप, माइनस वन मैंने ऐड कर दिया, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स माइनस वन क्या हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो माइनस वन मिनिमम वैल्यू हो गई, और कब होगी ये मिनिमम, जब एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ से आप वैसे भी बता सकते हो ये मॉडुलस फंक्शन जीरो के इक्वल कब होगा, जब एक्स की वैल्यू आप माइनस टू रख दो, तभी तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब सिंपल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे कुछ स्पेशल फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करना, सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करना, या फिर इसका ग्राफ बना लो, आपको ग्राफ भी बताए गए। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ माइनस वन। तो ये आप कर सकते हो, आई होप। तो ये ऐसे ही आप सेकेंड वाला क्वेश्चन कर सकते हो,
ये सारा ही आपके लिए होमवर्क ही है, होमवर्क क्लास वर्क मिक्स कर दिया मैंने इस बार, आपको समझा दे रहा हूँ सारे। जैसे यहाँ पे देखना ये वाला क्वेश्चन, अब आपको मालूम है साइन टू एक्स, साइन एक्स का जो फंक्शन होता है माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, ओके। तो साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स, साइन एक्स की बात हो रही है तो साइन के अंदर कोई भी एंगल आप किसी भी तरीके से लिखो, थ्री एक्स, फोर एक्स, फाइव एक्स, जो भी कुछ भी कर लो, बट साइन इज़ ऑलवेज इन बिटवीन माइनस वन टू वन। अब यहाँ पे प्लस ऐड करना है तो दोनों साइड में आप प्लस ऐड कर दो, प्लस फाइव ऐड कर दो, प्लस फाइव ऐड करोगे तो ये हो जाएगा फोर, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस फाइव, इस साइड में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सिक्स, तो इसकी वैल्यू फोर से सिक्स के बीच में होगी। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, निकाल दो, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, पॉइंट भी नहीं निकालने, हो गया, सिंपल है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भेज देना, क्योंकि लेक्चर अब एक दिन डिले होगा आपको, थर्सडे की क्लास है ना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यहाँ पे क्या करना है आपको, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है एंड फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके, एज द केस मे बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ना, तो सिंपल ग्राफ ही बना के आप देख भी सकते हो, बट मैं आपको अभी एक दो क्वेश्चन यहाँ से करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारे पार्ट्स हैं और टाइम भी हो जाएगा, सो क्वेश्चन नंबर थ्री मैं कर देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस इसके कुछ पार्ट्स कर देता हूँ, तो वन टू थ्री आप कंप्लीट कर लेना, इससे नेक्स्ट टाइम आप कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। थ्री क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो था, तो नॉर्मल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स को मैंने वाई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते थे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है तो हमारे पास दो मेथड हैं, कल भी बताया था, आज भी कई बार डिस्कस हो चुका है। सिंपल आप डेरिवेटिव करिए, दिस इज 2x, अब डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दिए, सो 2x इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे केवल एक क्रिटिकल पॉइंट निकला है, मैंने बोला क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लीजिए, फंक्शन सारे वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, तो क्रिटिकल पॉइंट जरूर निकाल लिया करिए। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट की दो डिफिनीशंस अभी मैंने कंबाइन बताया, जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, डेरिवेटिव जीरो का मतलब जिस पे फंक्शन के लिए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंसिबल हो जिस पॉइंट पे, वो भी क्रिटिकल पॉइंट ही होता है, तो दोनों याद रखो। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है, तो दैट मीन्स या तो ये मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, देख लेते हैं। अब मैं यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, टू, टू कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो अब वाई डबल डैश की वैल्यू अगर जीरो पे भी पुट करते हो आप, तब भी टू ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो फिक्स होते हैं, तो दैट मीन्स एक्स जीरो इज़ द पॉइंट ऑफ, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कल ही बताया था सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट किस में हो जाएगा, मिनिमा में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड कैसा पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मीन्स जीरो पुट कर दो फंक्शन में, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आपने जीरो पुट किया एफ जीरो, एक्स स्क्वायर मीन्स जीरो स्क्वायर जीरो, तो जीरो इज द मिनिमम वैल्यू एंड द पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। अरे ग्राफ भी आपको अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम होगा, याद आ रहा होगा छोटा छोटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ था। तो यहाँ पे देख लो मिनिमम वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू यही है, इसी को लोकल मैक्सिमम, एक ही है तो लोकल भी बोलो, ग्लोबल बोलो, लोकल बोलो, कुछ भी बोलो, दे आर सेम, अगर सिंगल वैल्यूज है अभी बताया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में एक थर्ड वाला पार्ट है, वहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस फंक्शन का हमें 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल्स में लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा निकालना है। वर्किंग रूल सारे के सेम है, फंक्शन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स। अब
इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। रूल को ध्यान से देखते रहो, जैसे ही डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगला किया हमने, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो टेन एक्स इज इक्वल टू वन हो गया। अब टेन एक्स वन किस पे होता है, ढेर सारे पॉइंट होते हैं जिस पे टेन एक्स वन होता है, बट हमें सारे पॉइंट्स नहीं लेने हैं, जीरो टू पाई बाई टू इंटरवल्स के बीच में ही कंसीडर करना है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई फोर हो गई। अब एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंसिबल हो गया तो नॉन डिफरेंसिबिलिटी की कंडीशन तो रही नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर इज अ क्रिटिकल पॉइंट। इस पे सेकंड डेरिवेटिव का नेचर चेक कर लेते हैं, मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूँ, आप फर्स्ट से भी कर सकते हो। तो सेकंड डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव किया था मैंने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया था, सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं एफ डबल डैश एक्स, क्या होगा देखना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये देखो सिंपल है, वैसे तो कैलकुलेट कर लो, साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू, तो माइनस ऑफ वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू। बेसिकली हमें नेचर ही तो चेक करना है, कैलकुलेट थोड़ी ना करना है। तो सेकेंड डेरीवेटिव यहाँ पर क्या हो गया, नए पेज पर ले लेता हूँ, सेकेंड डेरीवेटिव इज नेगेटिव किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे, तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर कैसा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एक ही है तो लोकल बोलो या ग्लोबल बोलो। अब इस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा गया है, तो एफ पाई बाई फोर पे वैल्यू निकाल दो। ये वैल्यू होगी, फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे एक्स के प्लेस पे, पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, सो दिस वैल्यू इज वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू। सिंप्लीफाई कर लो, टू अपॉन रूट टू, दैट इज रूट टू इज द मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जैसा भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री ये पूरे कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी हमारे पास इस वीक में दो लेक्चर और हैं, ट्राई करेंगे आराम से ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना भी टाइम लगेगा हम देंगे। तो थैंक्स टू ऑल।